कोई नहीं रहता, ना कोई लड़का ना कोई लड़की ना कोई बच्चा, समझे? इसका मतलब जो घर में है वो देव नहीं है। इसका मतलब पौआ झूठ बोल रहा था। अब इन दोनों का तमाशा हम खत्म करेंगे। चलें करें। एक मिनट, मैं इस बार कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता। आप जरा इस फोटो को देखिए, शायद आपने इसे कहीं देखा। देखिए देखिए, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। अरे हाँ, यही तो वो लड़का है जो दो तीन दिन यहाँ पर उस बच्चे के साथ में रहा था। अरे लेकिन अभी तो आप कह रही थी कि आप उसे जानती तक नहीं, और अभी आप कह रही हैं कि वो यहीं रह रहा था। हाँ तो फोटो भी तो अभी दिया ना, फोटो देखेगा तो तब बोलेगा ना। शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। कम वक्त चलता भी है कि नहीं। क्यों करण, अगर हम इस बुढ़िया की बात मान लें तो इसका मतलब ये कि वो यहां रह रहा था और वो वाकई देव है। काम हो गया, वो लोग आए थे, फोटो भी साथ में लाए थे। हाँ 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 हाँ, वैसा ही बोला है जैसा तुमने मेरे को बोला था। धन्यवाद दादी, धन्यवाद। अच्छा सुन, मेरे को तो बेशक मत देना, मगर मेरा वो सन्नाटा है ना, उसको जरूर देना, उसको पैसे की बहुत जरूरत है बेटा। हाँ हो जाएगा दादी, हो जाएगा, बिल्कुल फिक्र मत करिए, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा रखती हूँ। क्या हुआ? घबराइए मत, वो क्या है ना, हमेशा भाभी और करण भैया को बागवानी का शौक चल रहा है, तो वो जाकर हमारी जड़े खोदने की कोशिश कर रहे हैं। पर अगर उन्हें सच पता चल गया तो? आप भूल गई, हम राजू चाचा के अजय देवगन नहीं, राजू रंगीला है, राजू रंगीला है। वो जो कहानी थी ना, वो अमीषा भाभी और करण भैया को पौवा ने सुनाई थी, मेरे प्यारे पौवा ने। और हमने सोनू सन्नाटा की दादी को पहले से जाके बता दिया था कि हमारी कहानी के दोनों दुल्हन हमारे बारे में पूछते पूछते आएंगे। हमारे पत्ते इतने आसानी से नहीं खुलते मैडम। पर अब मैडम, अमीषा भाभी के जो पापा जी हैं ना, उनको भी शक नहीं होगा, अमीषा भाभी तो दूर की बात है। बस एक थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो जो सन्नाटा है उसकी दादी को थोड़े पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो आंटी से 1,00,000 ज्यादा लिए थे, उसमें से दे दो ना। पैसे के मामले में वैसे भी आप बिल्कुल वैसे की वैसी हैं। लाओ जी लाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए, बिल हम देंगे। ₹1,500 का बिल आया है जी। एक बात बता, तूने हमें खाना खिलाया या पूरी जगह को हमारे नाम कर दिया? रुको मैं देती हूँ। अरे नहीं मैडम जी, नहीं 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 नहीं, बिल तो हम ही देंगे अब, लेकिन ये तो जाती है ना, इतना कम खाया और इतना सारा बिल। एक मिनट, जा ऐश कर। मैडम जी अब क्या हुआ? थैंक्स आज के खाने के लिए और मेरी मदद करने के लिए। नो मेंशन मैडम।
वैसे बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, अब आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, करण और अमीषा के बारे में सोच रही थी. समझ नहीं आता कोई इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है. अपने किए गुनाह पर अफसोस होना तो दूर, दोनों तुम्हारे पीछे लगे हैं. बात तो सही कह रही है. एक मिनट जी, माता जी का फोन है. हेलो बेटा, मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करना चाहती हूँ लेकिन. अरे नहीं मॉम, परेशानी की कोई बात नहीं, आप बताइए क्या बात है. बेटा आज शाम मैंने पंडित जी को बुलाया है तुम दोनों की कुंडली मिलाने के लिए. क्या? अब मेरा मतलब है क्यों? लेकिन देव बेटा, ये शादी का फैसला है, ये रीत रिवाज करनी ही होगी. प्लीज देव, जल्दी आ जाना. जी. बाय बेटा. क्या हुआ? मम्मी जी ने घर पे पंडित जी को बुलवाया, हम दोनों की कुंडलियां दिखाओ. इसका मतलब हमारे पास और भी कम वक्त बचा है. हमीशा और करण के खिलाफ हमें सबूत जल्द से जल्द तलाशने होंगे. उन दोनों ने कोई सिरा भी नहीं छोड़ा होगा ना अधूरा. देव का जब एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने सबसे बात की पर कोई फायदा नहीं हुआ. लेकिन मेरी समझ में आ गया है कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है. चल चलिए मैडम, आइए. अब यहाँ आने का क्या फायदा होगा? मेरे साथ चलिए, आप खुद भी कुछ समझ जाएंगे. लेट्स गो. तो अपने आपे से बाहर जा रहा है, जरा संभाल ले अपने आपको. हाँ सिंह, क्या बात है, इतना घबरावा क्यों है? जो प्रताप सिंह जिंदा है, हफ्ता पहले मर गया हो लेकिन लगता है उसका ये भूत है. भूत? लगता है उनका भूत है. भूत भूत अभी तो मर गया था, अभी जिंदा. भूत भूत भूत. इंस्पेक्टर साहब, देव प्रताप सिंह, मैं अपनी गाड़ी आपकी कस्टडी से वापस लेने आया. क्या आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाँ मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कुछ काम नहीं है क्या आपके पास? जाइए यहाँ से, आउट. आप लोग जाइए. मिस्टर देव, उन लोगों की कोई गलती नहीं है, आपको जो भी देखेगा हैरान हो जाएगा. क्योंकि कुछ दिन पहले ही, क्योंकि उस एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई थी.
है ना? लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो मैं इस वक्त आपके सामने क्या कर रहा हूं? मेरे सब बातें छोड़िए, मेरी गाड़ी मुझे दीजिए। आई एम सॉरी सर, वो कार एक एक्सीडेंट में शामिल थी, वो हम आपको वापस नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब, वो गाड़ी आप अपनी कस्टडी में तब रख सकते हैं जब उस एक्सीडेंट में मेरी जान ली हो, और इस वक्त मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ, जिंदा। वो गाड़ी किसी और ने चुरा ली थी, और जो मौत हुई थी वो भी किसी और की थी। लेकिन सर। ओके फाइन इंस्पेक्टर, आप मुझे गाड़ी नहीं देंगे ना? ओके, मैं सिर्फ एक छोटा सा फोन करना चाहता हूँ डीजीपी अंकल को। ओके जी, डीजीपी साहब को परेशान करने की क्या जरूरत है? राम सिंह जी, सर साहब की गाड़ी घर पहुंचा दो। घर नहीं इंस्पेक्टर साहब, पप्पू के गैराज में। ओके जी, जैसा आप चाहेंगे। गुड, हाँ एक बात और, मैंने सुना था कि मेरी गैरहाजिरी में आपने इनके साथ काफी बदतमीजी से बात की थी। नहीं साहब, वो देव, रहने दो ना। कैसे रहने दो काजल? मैं उन लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाना चाहता हूँ जो दूसरों को उनकी गलती की सजा देते हैं। इंस्पेक्टर, ऐसा करके आपने अपनी नौकरी को खतरे में डाला है। लेकिन सर। लेकिन लेकिन कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं ना? से सॉरी टू, तो से माफी मांगी। देव जाने दो ना। आई एम सॉरी मैडम। इट्स ओके, चले चलते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। राजू, तुम्हें उससे माफी मंगवाने की क्या जरूरत थी? अरे मैडम जी, उन्होंने आपको सताया था, उनको जाने कैसे देते? राजू ध्यान से चला करो। चले जी। अब क्या करूं, हमेशा जी को खबर करनी होगी। जी, ओके, करण। क्या हुआ? करण पुलिस स्टेशन से फोन था, देव पुलिस स्टेशन गया था और वहां से वो अपनी गाड़ी वापस ले गया। एक मिनट, करण मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि देव हमारे पीछे पड़ा हुआ है और वो उस एक्सीडेंट का सबूत ढूंढ रहा है ताकि वो हम दोनों तक पहुंच सके। रमेश साहब, देव हम तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन तुम्हारी इन बेवकूफियों की वजह से हम दोनों सलाखों के पीछे पहुंचे। जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। क्या हुआ? उसने वहां से गाड़ी ली ना, उसे क्या होगा, क्या साबित हो जाएगा? हां करण, तुम समझते क्यों नहीं? एक सबूत नहीं तो दूसरे सबूत मिलते, अगर वो किसी तरह हम तक पहुंच गया तो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमने कोई सबूत छोड़ा ही नहीं, समझी तुम? अब तुम ये टेंशन लेना बंद करो और देव पे नजर रखो, जाओ। आप बता सकते हैं इस गाड़ी के साथ असल में हुआ क्या था, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? और
अपने आप को संभालना होगा तुम्हें काजल, क्योंकि जब हम इस तहकीकात में आगे बढ़ेंगे तो देव के साथ उस हादसे में क्या हुआ था ये सब बातें बाहर आएंगी जो तुम्हें दुख पहुंचाएंगी। हिम्मत से काम कर पाचा सर, यहाँ तो बहुत गड़बड़ है। किसी ने बहुत सफाई से इस ब्रेक्स के तार घिसे हैं और इस तरह कि इसका इस्तेमाल बहुत देर बाद होगा। लेकिन ब्रेक्स तो फेल हुए हैं, पर गाड़ी के स्टार्ट होने के बाद और इस तरह किसी पर शक भी नहीं किया जा सकता। अभी आते होंगे। लो आ गए। देव बेटा, काजल, तुम लोग सही वक्त पे आ गए। पंडित जी भी अभी आए। आओ बैठो। निपटो पंडित जी साहब। आओ बैठो। देव बेटा, तुम पंडित जी को जानते हो ना? तुम्हारा नामकरण इन्होंने ही किया था। मगर इसी मस्तिष्क की रेखा मुझे आज भी याद है। बहुत तेज दिमाग पाया है बच्चे ने। तो ये मरेगा। तो बताइए पंडित जी, शादी के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त निकलता है? आज से 4 महीने बाद शादी का मुहूर्त बनता है। चार महीने बाद का मुहूर्त बिल्कुल ठीक है। मेरा मतलब है कि तय कर देते हैं, है ना? क्या बात है काजल, तुम खुश नहीं लग रही हो। तुम्हें तारीख पसंद नहीं आई या फिर? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं सोच रही थी पापा से भी एक बार पूछ लेना चाहिए। चिंता मत करो काजल, भाभी ने भाई साहब से बात कर ली है। जो भी तारीख तय होगी उन्हें मंजूर है। लेकिन पंडित जी, तारीख 4 महीने के बाद, इससे पहले कोई शुभ मुहूर्त नहीं है? क्योंकि देव और काजल को इकट्ठा देखने के लिए हमने पहले ही बहुत इंतजार कर लिया है। चाची जी मरवाने के परे पर आते हैं। एक मुहूर्त बनता है, उतना उत्तम तो नहीं है, दोनों की शादी की सफलता के लिए उपयुक्त है। तो पंडित जी, कौन सा दिन बनता है? आज से 25 दिन बाद, यही सही रहेगा। पच्चीस दिन बाद से वो मैं अभी तो वापस आया हूँ और ऑफिस का सारा काम भी पड़ा हुआ है। तो हाँ माँ, देव बिल्कुल ठीक है। नहीं बेटा, करण संभालेगा। क्यों करण? लाओ अपना हाथ दिखाओ मुझे, अभी पता चल जाएगा। हाँ देव, हाथ दिखाओ। लाओ, मैं तो जानती हूँ कि मैं इन सब चीजों पर यकीन नहीं करता। तो देव बेटा, मेरी खातिर हाथ दिखाओ ना। देव अगर माँ कह रहे हैं तो उनके खातिर अपना हाथ दिखाओ ना। हाँ देव, हाथ दिखा दो, सारी प्रॉब्लम्स लगे हाथ सॉल्व हो जाएंगे। पंडित जी, आप हाथ देखिए।